देर दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों देखो, आप टॉप जैसे जैसे एग्जाम्स आ चुकी है अपने पास में, और इसीलिए गवर्नमेंट ने भी क्या की है, एक क्वेश्चन बैंक जनरेट की है। क्या जनरेट की है बच्चों? क्वेश्चन बैंक जनरेट की है। अब ये इसी में से क्वेश्चंस आएंगे क्या? ये मतलब ये ना मैं बता सकता हूँ ना कोई और बता सकता है, मतलब जो पेपर सेट कर रहा है उसी को ये चीज़ें पता रहेगी। लेकिन अगर देखा जाए और प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। लेकिन एक और चीज, अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करते हो ना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि पेपर में क्वेश्चंस पूछे कैसे जा सकते हैं। और इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम ग्रेविटेशन और कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे बच्चों, ठीक है? तो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम ग्रेविटेशन अगर मैं बोलूँ, है ना, थोड़ा सा इसी को क्या करेंगे, थोड़ा मिनिमाइज करके फिर बाद में उसी के अराउंड लिख के दिखाता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है? अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे, ठीक है, फ्रॉम ग्रेविटेशन, तो स्टडी करने जैसे जो कॉन्सेप्ट्स है ना बच्चों, सबसे पहले तो है ना आप लोग ने क्या कर लेना है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है कि डेफिनेशंस जो है ना सभी की, डेफिनेशंस बहुत अच्छे से कर लेनी है इस चैप्टर की। उसके बाद में लॉज, ऑल लॉज है ना, लॉज जितने भी लॉज है ना, जितने भी लॉज है बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे ये लॉज, ठीक है? सुंदर तरीके से। अभी दो लॉस कौन से मेन मेन दो लॉस कौन से इसमें बच्चों? एक तो है केपलर, इसके तीन लॉस है, मतलब दो मेन लॉस उसमें, केपलर के कितने टोटल? थ्री। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फिर हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ये भी अच्छे से पढ़ लेना है बच्चों आप लोग ने। उसके बाद में मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे और क्या करना है इसमें से, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, फिक्स्ड वैल्यूज जो होते हैं ना, नोन वैल्यूज, नोन वैल्यूज, ये आप लोग ने बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर लेनी है। फिर उसके बाद में देखो, आपको करना है स्मॉल जी के बारे में स्टडी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर बाद में उसके वेरिएशंस अच्छे से पढ़ो बच्चों, है ना, वेरिएशंस क्या होते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड। देखो, 3 मार्क्स का ही चैप्टर है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है, अगर सही से देखा जाए ना तो बड़ा बड़ा आसान है, ठीक है? उसके बाद में मैं बोलूंगा वेरिएशंस ऑफ जी, है ना, डेप्थ और हाइट के अकॉर्डिंगली क्या वेरिएशंस आ जाते हैं बच्चों। फिर हाँ, एक और चीज, फ्री फॉल देख लो, है ना, फ्री फॉल अच्छे से देखो, फ्री फॉल भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में बोलूंगा लास्ट में जो है अपनी क्रिटिकल वेलोसिटी, सॉरी एस्केप वेलोसिटी के बारे में अच्छे से पढ़ लो, है ना। और पूरे, हाँ एक और चीज मैं बोलूंगा बच्चों आपको, फॉर्म्यूलेज, क्या फॉर्म्यूलाज, ठीक है, फॉर्म्यूलेज। और ऐसे ही हम क्या करने वाले हैं अभी, एक एक चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। देखो, इतना भी आप लोग ने कर लिया भले, बहुत ये पूरा का पूरा चैप्टर ही है एक्चुअली, लेकिन अगर आप लोग ने इसको एक स्मार्ट वे में करा तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे 2 मार्क के लिए इसमें से देखो बच्चों गिव रीजंस आ जाते हैं, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ग्रेटर एट पोल देन इक्वेटर, क्यों ग्रेटर होती है ना। तो ये एक एक करके हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें से, जो अपने को क्वेश्चन बैंक्स में भी दिए हैं और नो डाउट कोई भी टीचर यही टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देगा, इससे अतिरिक्त कुछ आने वाला तो है नहीं, है ना। तो ये देखो, IMP क्वेश्चंस, फर्स्ट गिव रीजन टाइप के बच्चों, ये 2 मार्क के लिए आएंगे, GR मीन्स गिव रीजन। तो देखो, वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन
दैट एट इक्वेटर्स, है ना, इक्वेटर पे पोल्स वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्यों कम होती है और पोल्स पे क्यों ज्यादा होती है. तो हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था, एक बार जाके देखना बच्चों, कि देखो देखो हमारी अर्थ एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं है बट ऐसी थोड़ी सी ओवल है. तो इक्वेटर पे देखो बच्चों आर की वैल्यू क्या होती है. देखो मान लेते हैं सेंटर है, आर की वैल्यू ये है और पोल्स पे आर की वैल्यू मान लेते ये है आर वन और ये है आर टू. तो देखो बच्चों आर वन जो है ना ये लेस है आर टू से. दैट्स वाई देखो जो पोल्स है ना इक्वेटर है ना इक्वेटर पे अर्थ ऐसी बल्ज आउट होती है. ठीक है, द अर्थ बल्जेस आउट एट इक्वेटर एंड ऑन पोल इट इज समवॉट फ्लैटेंड. सो रेडियस इज लेस एट पोल्स देन दैट एट इक्वेटर्स. सो वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर बिकॉज ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ये था ना इसका फॉर्मूला ऐसा वाला, जी इज इक्वल्स टू जी एम बाय आर, है ना. ठीक है, आर अगर बढ़ गया तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, आर अगर कम हो गया तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी. ये बातें आप लोग को इसमें याद रखनी है. एक और क्वेश्चन है सेकेंड, ये भी गिव रीजन टाइप ही है. ठीक है, गिव रीजन टाइप है, गिव साइंटिफिक रीजन. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी डिक्रीजेस एज वी गो डीप इनसाइड द अर्थ. तो देखो इसके लिए आप लोग ने क्या करना है, वेरिएशंस अच्छे से पढ़ लेने. ठीक है, देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स. वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होता है डिफरेंट प्लैनेट्स पे और वो चेंज क्यों होते रहता है. इसके लिए आप लोग को मास एंड वेट्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मास जो है और वेट है ये एक्चुअली तो रिड्यूस सिलेबस में आ रहा है, लेकिन फिर भी हमको वेट पता रहा तो हम लोग बिल्कुल भी इसका जवाब दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेट क्या होता है बच्चों, फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो जब भी अर्थ मीन्स अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है, इसीलिए वेट भी क्या होता है बच्चों, वेरी करता है. इसलिए आप लोग को ये चीज़ पता रहनी चाहिए. फिर व्हेन वी ड्रॉप अ फेदर एंड अ स्टोन एट द सेम टाइम फ्रॉम अ हाइट द स्टोन रीचेज द अर्थ फास्टर देन द फेदर, व्हाई. ठीक है, ये भी आप लोग ने ठीक से अच्छे से इनके रीजंस आपने ठीक से अच्छे से पढ़ लेने बच्चों. फिर उसके बाद मैं बोलूंगा एट सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जीरो होती है. क्यों होती है ये बात बतानी है आप लोग को. ठीक है, उसके बाद मैं बोलूंगा और एक क्वेश्चन है. हाँ, ये वेट का हो गया. व्हेन वी हाँ ये तो ये भी हो गया. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी चीज अच्छे से डिस्कस हो गई. हाँ, जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते तब भी वैल्यू ऑफ जी क्यों डिक्रीज होती है. एक बात देखो बच्चों, जी से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब छोटे वाले जी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं क्वेश्चन बैंक में भी. तो आप लोग को ये बात समझनी चाहिए कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए क्या करो बच्चों, ये सब कॉन्सेप्ट ना एकदम थर्रोली पढ़ के जाना एग्जाम में. कौन से, ये वाले कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी डेफिनेशंस है, लॉज है. बड़े क्वेश्चंस में आपको क्या आ जाता है बच्चों, केपलर्स के लॉ आ जाते हैं. कभी कभी तो डायग्राम आ जाती है और तीनों लॉज बताओ बोलते, या फिर डायग्राम आ जाती है, हम लोग ने क्या करना पड़ता है, जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स करनी पड़ती है या फिर आंसर इन वन सेंटेंस देने पड़ते हैं. तो ये बहुत इजी पड़ जाता है उस समय और अपने को बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इससे. तो हमेशा एक बात याद रखिएगा. और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या करना है आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है हमारे चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक.